हेलो यू बिजी मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? वेलकम टू पेरेंटोपीडिया विथ मी पूनम हेगड़े। पुराने चैलेंजेस को करिए बाय बाय एंड हेलो न्यू चैलेंजेस। सेवेंथ मंथ शुरू हो चुका है और आपका बच्चा आपको बिजी रख रहा है, एंड इतना बिजी कि आप अगर एक मिनट भी यहाँ वहाँ जाओ तो पूरा घर जो है वो सर पर उठा लेता है। वैसे हाल ये है कि आप दो मिनट के लिए बाथरूम भी नहीं जा सकते। तो ये जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं बुक रिकमेंडेशन फॉर सेवेंथ मंथ टू नाइन्थ मंथ ओल्ड बेबीज। सेवेंथ मंथ है एंड आपका बच्चा बिजी 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 है। वो किस चीज में बिजी है? वेल, योर चाइल्ड इज स्कूटिंग, योर चाइल्ड इज क्रॉलिंग, प्रॉबेबली रोलिंग, फ्लिपिंग, कहीं ना कहीं उठने की कोशिश करना या बैठ जाना। तो कंटिन्यूस जो मूवमेंट है वो जारी होगा, तो फिजिकली डेवलप बहुत स्ट्रांग होने लगते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके बच्चे का जो IQ है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो रहा है। फेमिलियर फेसेस को जो है वो रिकग्नाइज करने लगते हैं, तो उन्हें पता चलता है ओके, दिस इज़ माई ग्रैंडपा, दिस इज़ माई ग्रैंडमा, ठीक है, ये मेरी मॉमी है, ये मेरे डैडी है। तो कई बार उनके जो इमेजेस है वो स्टोर होते जा रहे हैं उनके ब्रेन में, सो देयर मेमोरी इज़ बीइंग अपडेटेड, देयर मेमोरी इज़ बिकमिंग रियली स्ट्रांग। उसी के साथ साथ इमोशनल क्वोशेंट जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आप उनसे बात करते हैं तो दे आर कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग। व्हाट आर दे ऑब्जर्विंग? दे आर ऑब्जर्विंग योर जेस्चर्स, दे आर ऑब्जर्विंग योर बॉडी लैंग्वेज, दे आर ऑब्जर्विंग द टोन ऑफ योर वॉइस। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है सेवेंथ मंथ पे। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू, दे वॉन्ट टू हियर यू, एंड दे ऑल्सो ट्राई टू टॉक टू यू। सो इससे बेहतर टाइम क्या होगा बुक्स को इंट्रोड्यूस करने का? स्टोरी बुक्स को इंट्रोड्यूस कीजिए, बिकॉज ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आपका और आपके बेबी का जो बॉन्डिंग है वो और भी स्ट्रांग करेगा, और उनकी IQ भी बढ़ाएगा और उनका इमोशनल क्वोशेंट भी बढ़ाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने बच्चों के IQ और EQ को बूस्ट कर सकते हैं बुक्स के माध्यम से। चलिए बात करते हैं हमारे पहले किताब की, द वेरी हंग्री कैटरपिलर। अब इस किताब की जो रिव्यू है ये हर जगह पर बहुत ही अच्छी है। इसके दो रीज़न है। ऑफकोर्स इस किताब में एक वोकैबलरी के रूप में एक स्टोरी है जहाँ पे आपके बच्चे के वोकैबलरी को आप बिल्ड कर सकते हो। दूसरा, आप इसे मॉरल वैल्यूज के रूप में भी इस बच्चों को सिखा सकते हो। ऐसे तीन पॉइंट्स हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो इस स्टोरी के माध्यम से अपने बच्चों को। एक है, ये किताब बात करती है सेल्फ कंट्रोल की। सेकंड, ये किताब बात करती है वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस के बारे में। एंड द थर्ड पार्ट इज ग्रोथ एंड चेंज। अब ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पे एक कैटरपिलर जो है उसे बहुत भूख लगती है, एंड दैट वेरी हंग्री कैटरपिलर एंड्स अप ईटिंग एवरीथिंग दैट कम्स ऑन हिज वे। तो ही एंड्स अप ईटिंग द एप्पल, देन प्लम, देन सो मेनी थिंग्स, देन एंड में ऐसे होने लगता है कि धीरे धीरे इट एंड्स अप ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड्स as well, like chocolates, pies, sausage, everything that comes in his way. And then he realizes that he's feeling really bad after eating all those junk food. And then he decides to eat a green leaf. Ab green leaf khane ke baad, now this is how it is connected, you know, how self-control is important in your life. And then well-being ke baare mein baat kar, how healthy eating is important for your child. And for green leaf khane ke baad, the kind of growth and change the caterpillar has from a caterpillar to a becoming a beautiful बटरफ्लाई, वो इस बुक में बहुत ही ब्राइट कलर्स के थ्रू, अच्छे सिंपल वन लाइनर टेक्स्ट के थ्रू सिखाया गया है, जो आप देख सकते हो। और इसका अगर आपको डेमो लिंक चाहिए तो आप डेमो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो अगर एक अर्ली स्टेज पर आप अपने बच्चे को बात करना सिखाना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग तरह के वोकैबलरीज जो है वो उनकी बिल्ड करें अलग अलग इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो दो बुक मैं इंट्रोड्यूस करूँगी यहाँ पे, पोलार बैर व्हाट डू यू सी, एंड देन देर इज़ ब्राउन बैर व्हाट डू यू सी। खैर, बात करते हैं पोलार बैर की। तो ये इस किताब में इलस्ट्रेटिव पिक्चर्स है एनिमल्स की। तो देर आर लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक हिपोपोटामस, लायन, देन देर इज़ अ ब्यूटिफुल यू नो ज़ीब्रा, फ्लेमिंगो, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स दिए गए हैं। एंड इन एनिमल्स को देखते हुए आप एनिमल साउंड्स के थ्रू बच्चे को समझा सकते हैं कि व्हाट आर द वाइल्ड एनिमल्स अराउंड आर वर्ल्ड। एंड उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप एक स्टोरी के थ्रू भी उसको नरेट कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि
बच्चा जो है 7th, 8th, 9th मंथ में एनिमल्स के नाम बोलना शुरू करेगा, मगर धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप स्लोली ग्रेजुअली इसे कंटिन्यूसली पढ़ाना शुरू करेंगे, तो बाय द टाइम दे स्टार्ट बैबलिंग दे विल ऑल्सो ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज पिक्चर्स दैट दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू. सो वेन यू टेक देम टू अ जू दे विल ट्राई टू कनेक्ट इट वेल, एंड उसके वजह से अब आपका बच्चा जो है जल्दी बात करना सीखेगा. तो ये दो किताब है विच इज डेफिनेटली आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके आप जब भी 7 to 9 months में अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा यूनिट्स में पढ़ाइए. यानी कि अगर आपको 1 to 10 नंबर्स सिखाना है तो इनिशियल 5 नंबर्स जो है वो सिखाने की कोशिश करें. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है जो आपको बिल्कुल मदद करेगा नंबर सिखाने में, वो है नॉडी. अब नॉडी एक लिप द फ्लैप बुक है जिसमें हर बार एक स्टोरी के साथ साथ आपको वोकैबुलरी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, एंड हर फ्लैपर के बाद उसमें नंबर्स भी दिए होते हैं. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप नॉडी किताब के थ्रू 1 to 5 तक सिखा सकते हो, एंड देन स्लोली ग्रेजुअली व्हेन द चाइल्ड पिक्स अप आप 1 to 10 जो नंबर्स है वो आप वोकैबुलरी बुक्स जैसे माई फर्स्ट लाइब्रेरी बुक है उसके थ्रू भी आप नंबर्स को सिखा सकते हो. सो डू नॉट बी इन अ हरी. 7 to 9 months में अगर आपका बच्चा 1 to 5 तक देख भी लेता है और उसे आइडेंटिफाई करता है, देन टू इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट. सो होप यू लाइक दिस बुक एज वेल. एक कॉमन कंप्लेंट होती है पेरेंट की कि हमारा जो बच्चा है वो 6 months तक इतना अच्छा था, इतना शांत था, और अभी ये हाल है कि मैं 2 मिनट भी बाथरूम जाऊँ और बच्चा पूरा घर जो है वो सिर पे उठा लेता है, इतना रोने लगता है, इतना क्रैंकी होता है. वेल दैट इज़ बिकॉज योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू सेपरेशन एन्जाइटी. नाउ व्हाट इज़ सेपरेशन एन्जाइटी? वेल द चाइल्ड हैज़ स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विथ यू, एंड स्पेशली अगर हम बात करते हैं आजकल के जो मॉडर्न फैमिलीज़ में, हम सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं. तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कौन है? मम्मी, पापा एंड अ चाइल्ड, एंड फादर इज़ बिजी विथ हिज वर्क. तो पूरा दिन किसके साथ रहता है बच्चा? मदर के साथ रहता है. और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखो तो पहले वीडियोस में हमने ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में भी बात की थी. तो बच्चे का माइंड जब डेवलप होता है वो एक बहुत स्ट्रांग इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप कर चुका है आपके साथ, इसीलिए जब आप नहीं रहते तो दे मे फील दिस एन्जाइटी, एंड इसीलिए बच्चे रोते हैं. अब इस स्ट्रेंजर एन्जाइटी को आप कैसे कम कर सकते हैं? वेल, फेमिलियर फेसेस को अगर आप इंट्रोड्यूस करते रहो बुक्स के माध्यम, तभी भी आप इसे स्ट्रेंजर एन्जाइटी को मैनेज कर सकते हो. एक फैमिली एल्बम बनाइए इसे स्पाइरल. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने जो पुराने एल्बम्स हैं उसको भी बता सकते हो. मैंने तो किशा को अपने जो एंगेजमेंट या शादी के जो एल्बम्स हैं उसके थ्रू उसे बताना शुरू कर दिया था, एंड आई यूज़ टू टेल हर दैट दिस इज़ मॉमी, दिस इज़ डैडी, दिस इज़ अज्जा, दोड्डा यानी ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, एंड देन नो यू के मामा, मासी, इस तरह से मैंने बताना शुरू कर दिया था. बिकॉज आई यूज़ टू कीप ट्रैवलिंग एवरी 3 months, आई यूज़ टू गो टू माई मम्स प्लेस एंड आई यूज़ टू कम बैक. तो मैं चाहती थी कि वो बैलेंस बना रहे. तो आई यूज़ टू शो दीज पिक्चर्स. तो आप इस पिक्चर को दिखा सकते हैं. अगर आपके पास वक्त है तो सबके इंडिविजुअल फोटोज़ को कैप्चर करके बुक बाइंड जैसा बाइंडिंग बनाइए, एल्बम बनाइए, एंड ट्राई टू शो देम. दिस विल हेल्प देम टू मैनेज दैट सेपरेशन एन्जाइटी एंड स्ट्रेंजर एन्जाइटी ऑल्सो. सेपरेशन एन्जाइटी एंड स्ट्रेंजर एन्जाइटी अलग. सेपरेशन एन्जाइटी एंड स्ट्रेंजर एन्जाइटी इज़ डिफरेंट. स्ट्रेंजर एन्जाइटी का मतलब होता है दैट योर चाइल्ड इज़ यूज टू बींग विथ फेमिलियर फेसेस, एंड उसके अलावा अगर कोई भी उनके आसपास आता है तो वो जोर जोर से रोने लगते हैं, दे टेंड टू पैनिक, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. ये टाइम के साथ धीरे 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 आपके बच्चे जो है वो चेंज हो जाते हैं. मेरी किशा को ये काफ़ी हद तक था. आई थिंक यू नो टिल द टाइम ऑफ 1 year शी हैड दिस बिग प्रॉब्लम, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पैंडेमिक की वजह से भी था. शी इज़ अ पैंडेमिक बेबी, तो हम ज़्यादातर घर में ही रहते थे, तो इसीलिए उसे बाहर का जो सोशल इंटरेक्शन है उसे करने में समय लगा, एंड इट विल टेक टाइम. एंड इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो पेरेंट्स का ही होता है. आप उसे धीरे 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 सोशल सर्कल में इंट्रोड्यूस करते रहे, इनवाइट किड्स इन योर हाउस सो दैट यू नो दे कैन मिंगल. एंड धीरे धीरे हमेशा याद रखें कि बच्चे जो है वो आपसे ज़्यादा बच्चों को देखकर ज़्यादा सीखते हैं. तो ये जो किताबें हैं ये आप
उन बच्चों को भी दीजिए, और वो जो बड़े बच्चे हैं उन्हें बड़ा मज़ा आता है छोटे बच्चों को सिखाने में. तो आई यूजुअली गिव दोज बुक्स टू द चिल्ड्रन एंड आस्क देम कि आप उसे पढ़ाइए, आप किशा को बताइए कि एप्पल क्या है, बॉल क्या है. एंड आई हैव सीन दैट यू नो किशा लर्न्स फास्टर विद चिल्ड्रन. तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं. तो वन पॉइंट ये है कि फैमिली एल्बम को इंट्रोड्यूस करें, सो दैट इट विल हेल्प देम टू बिल्ड देयर IQ एंड EQ, बोथ इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड इमोशनल क्वेश्चन. सेवेंथ मंथ में बच्चे का जो इमोशनल क्वेश्चन है वो बहुत डेवलप होने लगता है. दे लव टॉकिंग टू यू, दे लव योर जेस्चर्स, दे लव योर टोन ऑफ योर वॉइस, दे लव लिसनिंग टू यू. एंड इवन जब आप नहीं बात कर रहे हो तब भी आपका कम्युनिकेशन बच्चे के साथ हो रहा है. वो कैसे? चले एक थियोरी के थ्रू इसे समझते हैं. एल्बर्ट मेहरा बयान, अ सोशल साइकोलॉजिस्ट, केम आउट विद अ ब्यूटिफुल थियोरी कॉल्ड एज 3 V's. अब ये 3 V's क्या है? वो कहते हैं कि देर आर 3 key elements टू एनी कम्युनिकेशन. अब हम बात कर रहे हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, जिसमें ये जो की एलिमेंट्स है ये आपके कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करते हैं. ये कैसे? फर्स्ट एलिमेंट इज विजन, यानी आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, यानी आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ये आपके कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है. वोकल यानी आपका टोन ऑफ योर वॉइस, आप कैसे कह रहे हो उससे आपका जो कम्युनिकेशन है वो इन्फ्लुएंस होता है. एंड थर्ड इज वर्बल. वर्बल का मतलब है आप क्या कह रहे हो, यानी द चॉइस ऑफ वर्ड्स यू आर मेकिंग, दैट इन्फ्लुएंसेस योर कम्युनिकेशन. अब इन तीनों पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है. एल्बर्ट मेहराबियान कहते हैं कि विजुअल यानी आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो उसका जो इम्पैक्ट है वो 55% है. आप कैसे कहते हो यानी आपका जो टोन ऑफ वॉइस है उसका इम्पैक्ट है 38%. एंड आप क्या कहते हो दैट अकाउंट्स ओनली 7%. यानी आप 80% जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो कम्युनिकेशन में वो आपके विजुअल यानी आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन है, एंड आपका टोन ऑफ वॉइस यानी आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो एंड आपका टोन ऑफ वॉइस. इसीलिए जब आप किताब भी पढ़े तो किताब को भी इस 80% इन्फ्लुएंस जो है वो लाना ज़रूरी है. कई बार बच्चों को वर्ड्स नहीं पता मगर वो इमिटेट करते हैं. वो क्यों? क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व करते हैं. तो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन, आपके टोन ऑफ वॉइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने चाहिए किसी भी किताब को पढ़ाते वक्त. तो इससे उनका इमोशनल क्वोशेंट जो है वो डेवलप होता है, बिकॉज इस मंथ वो काफ़ी हद तक आपको इमिटेट भी करेगा. सो 7th to 9th month देयर डेटा बेस इज जस्ट अपडेटिंग. आपको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको इमिटेट भी करेंगे. तो मेक श्योर कि आप जो भी कहो या आप जिस तरह से भी एक्सप्रेशन करते हैं या बच्चे के आसपास जो भी कहते हैं वो कहीं ना कहीं वो इमिटेट करेगा. 7th month में एक और फोकस अपना आपका होना चाहिए वोकैबुलरी बिल्डिंग का. अब द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज इंट्रोड्यूस अ बुक विच टॉक्स अबाउट द थिंग्स अराउंड योर हाउस. यानी आपके आसपास के जो चीज़ें हैं उसके वोकैबुलरी बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करें. तो कोई गो फॉर सिंपल बुक, जैसे ये माय फर्स्ट लाइब्रेरी बुक है, इसका सेट 1 मैंने इंट्रोड्यूस किया था पिछले वीडियोस में. इस वीडियो में आपको मैं सेट पैक 2 बता रही हूँ. अब ये सेट 2 में ऐसे बहुत सारी चीज़ है, जैसे सी एनिमल्स है, थिंग्स एट होम है, पीपल एट वर्क है, कम्युनिटी हेल्पर्स के नाम है, टॉयज़ के, बच्चे के जो टॉयज़ है उसके नाम है, बेबी एनिमल्स है, बेबी ऑब्जेक्ट्स है लाइक ड्रिंकिंग कप्स, यू नो बॉटल, बहुत सारे जैसे जो आसपास के उसके आपके घर में है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के इसमें दिए गए हैं इन्फॉर्मेशन. देन ऑपोजिट्स है, यू नो स्लो है तो फास्ट, अबाउट मी यानी बच्चे के बॉडी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, फेस को क्या कहते हैं, यू नो ईयर्स, आईज, नोज, एंड देन फ्लावर्स, फूड. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है. इस बुक की एक ही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, दैट इज़ यू नो इसके फूड के बुकलेट में बहुत सारे जंक फूड के इन्फॉर्मेशन है लाइक पिज्ज़ा, बर्गर एंड ऑल, विच आई डोंट थिंक एट दिस स्टेज यू नो यू शुड टॉक अबाउट दिस फूड, बिकॉज हियर वी आर लुकिंग एट हेल्थ ऑल्सो. तो ये मे भी हो सकता है कि बहुत बार फॉरेन इन्फ्लुएंस जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है तो वो फॉरेन फूड्स दिया गया. अगेन इट्स माई व्यू, आप अगर इसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो यू कैन, माइट वेल गो अहेड. सेकेंड जो एस्पेक्ट आपने ध्यान रखना चाहिए इन्फॉर्मेशन बुक्स के बारे में कि आप उसे कैसे पढ़ा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंस देयर मेमोरी इज ग्रोइंग, उनका जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा है,
तो उसे आपको किस तरह से पढ़ाना है सो दैट उनके मेमोरी में काफ़ी लंबे समय तक ये जो यू नो वर्ड्स है वो रहे. इसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा टेक्निक बनाया है विच इज़ कॉल्ड एज पावा टेक्निक. इन माई अर्लियर वीडियोज आई स्पोक अबाउट डोला टेक्निक विच टॉक्स अबाउट हाउ टू चूज बुक्स फॉर यू नो फॉर बेबीज. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट पावा टेक्निक हाउ टू रीड बुक्स. ओके, सो नाउ हाउ डू यू रीड बुक्स, हाउ डू यू मेक श्योर कि जो भी आप पढ़ा रहे हो वो उनके माइंड में रजिस्टर हो रहा है एंड साथ ही साथ वो उसे रिकग्नाइज भी करते हैं. बिकॉज क्या फ़ायदा अगर आपका बच्चा सिर्फ किताब में बनाना को बता रहा है और टेबल पे पड़े हुए बनाना को रिकग्नाइज नहीं करता है. तो ये बहुत ज़्यादा यू नो कंप्यूटर रीडिंग टाइप हो जाएगा. तो इसीलिए आप क्या करें, वेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग राइट, मेक श्योर कि आप उस ऑब्जेक्ट को आसपास होगा तो उसे दिखाएं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो यू आर सीइंग एन एप्पल ऑन द टेबल, तो आप उसको बता सकते हो कि लुक व्हाट इज दैट. सो पॉइंट आउट एंड टेल देम लुक व्हाट इज दैट राइट एंड आस्क लेबलिंग क्वेश्चन. एंड देन डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेट फॉर द चाइल्ड्स रेस्पॉन्स. जरूरी है कि बच्चा जो है उसे देख कर वो कुछ बोलेगा. द चाइल्ड विल बैबल, सो लेट देम बैबल एंड वेन दे बैबल एक्नॉलेज. आप उसे महसूस कराइए कि आप उसकी भाषा समझ रहे हैं. यस इट्स एन एप्पल. सो ऑलवेज पॉइंट आउट, आस्क लेबलिंग क्वेश्चन, वेट फॉर द रिस्पॉन्स एंड एक्नॉलेज व्हेन द चाइल्ड बैबल्स. तो ये एक टेक्निक है जो आप इंश्योर कर सकते हो कि आप जो भी पढ़ा रहे हो उसके माइंड में रजिस्टर हो रहा है. आई हैव शेयर्ड लॉट ऑफ वीडियोज वेर इन मैं किशा को जब बाहर लेके जाती हूँ तो मैं उसे जो भी एनिमल्स दिखाती हूँ तो मैं उसे पूछती हूँ. सो आई ऑलवेज यूज दिस टेक्निक सो दैट माई चाइल्ड ऑलवेज लर्न्स इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे राइट. सो आपके बेस्ट चीज होगा कि आपके आसपास घर में जो कुछ भी है उसे आप दिखाइए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीवी दिखा रहे हो बुक में तो आप बच्चे को लेके जाइए और उसे वो पॉइंट आउट करें और उसे बताए कि वो टीवी है. तो रियल ऑब्जेक्ट्स को लेट देम रिलेटेड, लेट देम एक्सप्लोर द आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो राइट, सो इन अ राइट मैनर. सो ये आप कर सकते हो इस किताब के थ्रू. देन वी स्पोक अबाउट फैमिली एल्बम. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक जिसमें आप माउथ, ईयर्स, आईज, नोज, आर्म्स, बेली, लेग्स, टोज इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है बट इन अ वेरी फन वे. तो फिर लुकिंग आउट फॉर ओनली इन्फॉर्मेटिव बुक्स तो माई फर्स्ट लाइब्रेरी है. लेकिन साथ साथ में अगर आप उसे एक एंटरटेनिंग वे में कुछ बताना चाहते हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक. इसे मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं इसे थोड़ा सा गाना वाना गा के पढ़ाती हूँ. लाइक यू नो इफ आई वॉन्ट टू सिंग इट, माउथ, ईयर्स, आईज, नोज, आर्म्स, belly and 10 little tiny toes इस तरह से. एंड अगर आप इसे पढ़ाना चाहते हो तो हमेशा पॉइंट आउट करें जैसे मैंने कहा था हर बुक को जब भी आप पढ़ाए ears, eyes, nose, mouth. Okay? So इस तरह से जब आप बताओगे ears, eyes, nose, mouth, इस तरह से जब आप बताओगे तो उन्हें अपने कान को भी टच करने लगाइए. That body awareness has to come. तो वो आप बता सकते हो. ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा ये सेवेंथ मंथ में ही देखेगा. ये हो सकता है कि एट्थ मंथ में या नाइन्थ मंथ में अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा तैयार है तो आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो. इट्स अ वेरी प्रिटी बुक. इसमें आप देखोगे कि बहुत कलरफुल पिक्चर्स दिए गए हैं. काफ़ी कलरफुल पिक्चर्स है इसमें. ओके एंड इट टॉक्स अबाउट यू नो अ पर्सन टॉकिंग डांसिंग विद द बेयर, अ चाइल्ड डांसिंग विद द बेयर. एंड इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, कलरफुल है तो ज़्यादा कुछ वोकैबुलरी जैसा नहीं है बट देन इट्स अ प्रिटी बुक एंड आई कैची बुक जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं उसे देख कर. सो दिस इज़ वन बुक. इसका डेमो लिंक जो है वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी, आप उसे देख. टच एंड फील प्ले बुक की, टच एंड फील किताब हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होती है बच्चों के लिए. अब आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हो सेवन्थ, एट्थ या नाइन्थ मंथ में. नाउ इसमें दो किताब है जो मैंने खरीदी थी, एक वेरी हंग्री कैटरपिलर एंड उसके बाद ये वाला खरीदा था. वेरी हंग्री कैटरपिलर का भी जो डेमो लिंक है वीडियो वो मैं शेयर कर दूंगी आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. फिलहाल टच एंड फील बुक की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है जैसे एनिमल्स के बारे में. एनिमल साउंड्स को यूज़ करते हुए आप किताब को पढ़ा सकते हो. जैसे शीप है, देन देर इज़ यू नो चिक, देन देर इज़ अ डॉग एंड देन देर इज़ लायन. ये लायन का मेन तो इतना सॉफ्ट है कि इवन यू नो वी एज पेरेंट्स ऑल्सो वी फील लाइक टचिंग इट. तो देन देर इज़ स्क्वीक स्क्वीक माउस एंड देन देर इज़ अ कैट.
लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है. एंड देन देयर इज एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ वर्ड्स जैसे बॉय गर्ल. तो जब आप इंट्रोड्यूस करो तो आप उसे बताइए हु आर यू, यू आर अ गर्ल, हु आर यू, यू आर अ बॉय. एंड देन देयर इज कार, एंड देन देयर इज सम बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एप्पल, अ कैटरपिलर कमिंग आउट ऑफ एन एप्पल. देन देयर इज सन, फ्लावर, एंड यू नो देयर इज रूफ जो टच एंड फील ऑब्जेक्ट की तरह दिया गया है. तो ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है बच्चों के लिए. नंबर्स जैसे मैंने कहा था लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जब आप इनिशियल बच्चों को बुक पढ़ा रहे हो. तो 1, 2, 3, 4, 5 इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिया गया है, जैसे 1 boy, 2 fish. तो ये नंबर्स इसमें इंट्रोड्यूस्ड है. एंड देन देर इज़ अ फ्लैपर जिसको मेरी बेटी जो है वो फाड़ चुकी है. सो द स्क्वायर है जिसको एक मिरर दिया गया है. देन देर इज़ सर्कल, स्टार, ट्राइंगल. तो ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, तो ये भी आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो. दिस इज़ इंटरेस्टिंग. एंड देन देयर इज़ अ कोकून, इसके ऊपर एक ऐसा फ्लैपर था जो अगेन मेरी बेटी जो है वो फाड़ चुकी है. तो ये आप किताब इन्फॉर्मेशन दे सकते हो. इसके बहुत सारे वेरिएशन है. आप पहले एक किताब खरीदें, उसके बाद आप दूसरी किताब. मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले वेरी हंग्री कैटरपिलर आप खरीदें, उसके बाद ये किताब खरीदें. इवन दैट बुक इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक विच आई विल शेयर इन द डेमो लिंक. सेवेंथ मंथ में क्योंकि आपका बच्चा बहुत कम्युनिकेट करने लगता है, बैबल करता है, तो आप स्टोरी बुक्स जो है वो ज़रूर नरेट करें. ऐसे 3 किताब है जो मैंने सेवेंथ मंथ में इंट्रोड्यूस किए थे. एंड उसमें सबसे जो फेवरेट किताब रहा है किशा का, दैट इज़ गुड नाइट मून. एंड देन आई स्लोली इंट्रोड्यूस पॉप अप पीकबू. एंड देन द थर्ड वन वॉज स्लीप, द टाइम टू स्लीप लिटिल वन. तो ये जो किताब है इसका रिव्यू हर जगह बहुत अच्छा है. गुड नाइट मून जो है इसको मैं जनरली गाकर सुनाती हूँ. तो व्हेन आई यूज टू सिंग टू हर, मैं आज भी इसको सिखाती हूँ. तो जब भी मैं ये सिंग करती हूँ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है. इसके एक एस्पेक्ट ये अच्छा है कि आपका बच्चा जब बड़ा भी हो जाएगा तब भी आप इस किताब को यूज़ करते हुए उनको आप वोकैबुलरी बढ़ा सकते हो. जैसे यू कैन आस्क देम कि वेयर इज़ द मिटन्स, और वेयर इज़ द ब्रश, वेयर इज़ द कोम, वेयर इज़ द बलून. इस तरह से ये दिया गया है. इट्स अ वेरी सिंपल बुक जहाँ पे एक रूम में एक रैबिट जो है सोने की तैयारी कर रहा है. एंड जब वो सो रहा है तो ही सेइंग गुड नाइट टू ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द रूम. सो दिस इज़ अ रूम विच इज़ लाइक एनी अदर रूम इन आर प्लेस. किसी के भी घर में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं. सो व्हेन आई रीड इट टू हर, आई रीड इट लाइक दिस. In the creek green room there was a telephone. In the creek green room there was a telephone. And a red, 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 red balloon. And a red, 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 red balloon. And a picture of a, and a picture of a, and a picture of a cow jumping over the moon. And a picture of a cow jumping over the moon. Good night, good night, good night, moon. Good night, good night, good night, moon. इस तरह से आप अपने जो जो बुक्स है वो आप पढ़ा सकते हो. अब ये मेरा तरीका है कि मैं उसे गा के सुनाती हूँ. इफ़ यू फील कि आपके बच्चे को आप बोल कर करना है, आपको ऐसा लगता है कि यू नॉट कम्फर्टेबल, यू कैन गो अहेड विद एनी वे. सो देर आर 3 लिटिल बेयर सिटिंग ऑन द चेयर. सो इट्स लाइक जूमिंग एवरी पिक्चर. ओके, तो जो भी फ्रेम है, जो भी पिक्चर्स है, उसको जूम करते हुए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स दिया हुआ है. तो इस तरह से किताब दी गई है. एंड 2 लिटिल किटन्स एंड अ पेयर ऑफ मिटन्स. सो वेयर आर किटन्स, वेयर आर मिटन्स, ये दिया गया है. ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. इसका भी जो डेमो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगी, आप उसे देख सकते हो. इट्स अ सिंपल ग्रीन रूम का जो पिक्चर है उसको जूम करते हुए हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है. एंड द लास्ट पेज इज वेयर The rabbit says good night to everyone. Okay, and then sleeps finally. तो ये एक किताब है गुड नाइट मून. इट्स अ क्लासिक बेड टाइम स्टोरी जो आप यूज कर सकते हो. देन अगेन वन ऑफ माई फेवरेट बुक जो मैं अभी भी इसको सिखा रही हूँ, दैट इज पॉप अप पीकबू बेड टाइम, वेयर यू नो बिग बनी इज ट्राइंग टू फाइंड हिज फ्रेंड्स एंड ही इज आस्किंग देम टू स्लीप. ओके, तो ये एक उसकी जर्नी है जहाँ पे ही सेइंग गुड नाइट टू एवरीवन एंड ही इज आस्किंग देम टू स्लीप. सो बिग बनी सेज इट्स गेटिंग लेट, वी नीड टू गो टू बेड, बट द अदर टॉयज आर हाइडिंग. बनी कांट सी कडली टेड. कडली टेड, कडली टेड, वेयर आर यू कडली टेड? लेट्स लुक बिहाइंड द कॉट. एंड देन यू स्लोली ओपन द फ्लैप एंड दैट्स वेयर कडली टेड पॉप्स अप.
अब ये पॉपअप नहीं हो रहा है बिकॉज माई डॉटर हैज ओन इट, तो इट पॉप्स अप। इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं इसमें दिखाया जाता है। देन मिस एलिफेंट वो गोज मिसिंग, तो मिस एलिफेंट को वो ढूंढते हैं, ऐसे उसकी जर्नी दिखाई गई है इन एवरी बुक, तो ये भी आप देख सकते हो। तो इसका भी डेमो लिंक जो है वो मैं शेयर करती हूँ। सो पॉपअप पिकअबू बेड टाइम बुक, दिस इज अनदर फेवरेट। एंड देन देर इज अ सूदिंग राइम फॉर बेड टाइम, टाइम टू स्लीप लिटिल वन, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। राइम्स के रूप में इस किताब को शेयर किया गया, इसका भी डेमो लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगी। इट्स गॉट इंटरेस्टिंग पिक्चर्स जिसको आप अपनी तरह से उसे पढ़ा सकते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूँ बेड टाइम स्टोरीज की, तो ये तीन किताब है जो आप बेड टाइम्स में पढ़ा सकते हो।